जेप ट्रैवल के नए वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सोनमर्ग देखा, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक यहाँ शेयर कर देती हूँ। इस वीडियो पे हम चलेंगे गुलमर्ग। तो गंडोला राइड के लिए और यहाँ होने वाली स्नो एक्टिविटीज के लिए आपको क्या क्या करना होगा इस व्लॉग में दिखाऊंगी। श्रीनगर से गुलमर्ग लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है, तो अब हम चले गुलमर्ग की ओर। श्रीनगर से बाहर निकलते ही आपको सामने दूर वो जो बर्फीला पहाड़ दिख रहा है वही है गुलमर्ग। तो कश्मीर के सुहाने रास्तों से होते हुए हम चले गुलमर्ग की ओर। श्रीनगर शहर, फिर हाईवे और फिर कुछ गांव से होते हुए ये रास्ता आपको गुलमर्ग की ओर ले जाएगा। रास्ते में शॉल वगैरह की शॉप्स भी आएगी, आपके कार ड्राइवर वहां आपको शॉपिंग के लिए ले भी जाएंगे। पर अगर आपके पास वक्त कम हो तो पहले गुलमर्ग पे फोकस कीजिए, शॉपिंग रिटर्न में भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे देखी कश्मीर की फेमस पश्मीना शॉल्स, और इसके अलावा यहाँ हैंडलूम के बहुत सारे और भी कुछ चीजें हैं, और यहाँ के कारपेट भी बहुत फेमस है। ये कहाँ गुलमर्ग जाते हुए आता है ना? जी जी जी, गुलमर्ग में गुलमर्ग से 13 किलोमीटर नीचे। हाँ। और अगर गुलमर्ग में आपका स्टे नहीं है तो शॉपिंग को अवॉइड कीजिए, वरना गुलमर्ग में वक्त कम पड़ जाएगा। हमारा गुलमर्ग में स्टे था तो हमने शॉपिंग भी की, इसका डिटेल वीडियो में आपको अलग से दिखाऊंगी। तो जैसे जैसे गुलमर्ग पास आता जा रहा था, नज़ारे और भी सुंदर होते जा रहे थे और ठंड बढ़ती जा रही थी। गुलमर्ग के रास्ते में आता है टनमर्ग, तो अगर टाइम है तो यहाँ भी आप जा सकते हैं। हमें पहुँचते पहुँचते दोपहर हो गई थी तो हमने यहाँ कर लिया लंच। कश्मीर के वाजवान का मजा प्रकाश और अंश ने लिया, तो मैंने कश्मीर के दम आलू का। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो आप कश्मीर के वाजवान का मजा जरूर लीजिएगा। अलग अलग तरह की 6 से 7 डिश वन के इसमें आती है, जिसकी कीमत 1000 से 1200 रुपए की होती है। और टनमर्ग पे ही हमने 24 घंटों के लिए स्नो बूट रेंट पे ले लिए। बार्गेनिंग के बाद ये हमें 500 रुपए में तीनों के लिए मिल गए। हम अपने जैकेट वगैरह लाए थे, अगर आपने नहीं लाया है तो आप यहाँ से भी रेंट पर ले सकते हैं। ये भी आपको बार्गेनिंग के बाद 250 से 300 रुपए प्रति जैकेट में मिल जाएगा। तो ये लेकर हम चल पड़े गुलमर्ग की तरफ। तो बस रेडी हो जाइए गुलमर्ग का मजा लेने के लिए। और ये देखिए, इस तरफ बर्फ, उस तरफ बर्फ। दूर जो बर्फ से ढका हुआ और चमकता हुआ पहाड़ दिख रहा है, गंडोला से हम उसके ऊपर जाने वाले हैं। और ये जो स्नो भरा एरिया आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे होती है स्नो एक्टिविटीज। बर्फ के बीच के रास्तों से होते हुए हम पहुँच गए यहाँ। ये देखिए, ये है हमारा होटल। आई कांट बिलीव, बर्फीले पहाड़ों पर एक दूसरे से काफी दूर दूर कुछ होटल्स, तो उसमें से ये है हमारा होटल। देखिए तो, होटल के बाहर भी कितनी बर्फ है। क्या शानदार लोकेशन पर है ये होटल। मुझे तो किसी पॉइंट पे जाने की भी जरूरत नहीं महसूस हो रही है, यहाँ इतना सारा स्नो है। इस लोकेशन के बारे में मैं जो कहूँ कम ही है, आप खुद ही हर तरफ देख लीजिए। तो आज हम आ गए हैं गुलमर्ग में, और गुलमर्ग में आके मेरा एक्साइटमेंट का लेवल और भी बढ़ चुका है, क्योंकि यहाँ का नजारा आप देखिए, हर तरफ, जिस तरफ भी आपकी नजर जाएगी उस तरफ बर्फ ही बर्फ है। कश्मीर आने का असली मजा हमें मिल चुका है। जो सपना था आज तक, वो आज हकीकत बन चुका है। और सरप्राइज क्या है वो मैं अगर आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये जो पीछे बर्फ के बीच में आप देख रहे हैं, ये है हमारा होटल, और आज रात हम यहीं रुकने वाले हैं। होटल कैसा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है, क्या क्या करना है, इस पूरे व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी, तो बने रहिए हमारे साथ। और अब दूसरे दिन हमें करनी थी गंडोला राइड, तो हम मॉर्निंग स्लॉट में गंडोला राइड के लिए गए थे। ये देखिए, ये लंबी लाइन। अच्छा, गंडोला राइड के लिए लेयर्स वाले कपड़े, प्रॉपर जैकेट, सूज, कैप, क्लोज, सब कुछ पहनकर पूरी तैयारी करके आइएगा। और हाँ, आपकी विजिट की डेट के 1-1.5 महीने पहले ही ऑनलाइन बुकिंग के लिए www.jammukashmircablecar.com को चेक करते रहिए। हर 10 दिन पे स्लॉट खुलते हैं, और खुलते ही सोल्ड हो जाते हैं, तो 1/11/21 इस डेट पर जरूर चेक कीजिएगा। अगर ये ऑनलाइन टिकट आपको नहीं मिली तो गुलमर्ग में जाकर भी आप गंडोला नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे गाइड आपको अप्रोच करते रहेंगे,
आपको गाइड की जरूरत पड़ेगी, आपको हम लाइन में आगे ले जाएंगे, ऐसा आपको बोलेंगे, पर एक्चुअल में इनकी कोई जरूरत नहीं है। फेज वन से आगे उनको जाना भी अलाउड नहीं है। तो ये जो लंबी लाइन दिख रही थी, एक घंटे में हमारा गंडोला में बैठने की बारी आ गई। यहाँ पे आपके ऑनलाइन टिकट के साथ आपका आइडेंटिटी भी चेक होता है। तो बहुत फास्ट फास्ट ये गंडोला आते जा रहे हैं और हम ये बैठ गए हमारे गंडोला में। सुपर एक्साइटमेंट लेवल आज भी है क्योंकि अब हम कर रहे हैं गुलमर्ग में गंडोला राइड। तो फेज वन के लिए हम गंडोला में बैठ चुके हैं। करीबन आधे से एक घंटे का लाइन था, पर बहुत ही आसानी से फास्ट मूविंग लाइन था और अब हम नजारों का मजा लेते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस। पहाड़ों पे बर्फ, ऊंचे ऊंचे पाइन ट्रीज, नीचे बर्फ से ढके हुए कुछ घर। अच्छा, क्या आप ये सोच रहे हैं हमारे हाथ में ये केक क्यों है? आज अंश का बर्थडे है तो हम इसे फेज टू पर सेलिब्रेट करेंगे। तो मजा लेते लेते आ गया फेज वन। गंडोला में चढ़ते और उतरते वक्त थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको यहाँ मूवेबल गंडोला में से ही चढ़ना और उतरना होता है। यहाँ पर काफी एक्टिविटी है जो आप कर सकते हैं, हम भी करेंगे, पर पहले हम चलेंगे फेज टू पर। तो फेज टू की लाइन कंपैरेटिवली छोटी थी, 15-20 मिनट में नंबर आ गया। तो ये आ गया हमारा गंडोला फेज टू के लिए। तो चलिए चलते हैं। और भाई साहब, ये तो सीधी चढ़ान थी। फेज वन गंडोला के एक्सपीरियंस से काफी अलग ये एक्सपीरियंस था। ऊपर और ऊपर और ऊपर, अरे भाई कितना ऊपर, पूरे 13,900 फीट ऊपर। यहां पर हम आ गए हैं फेज टू पर। वाव, बिल्कुल ठंडा, अभी तक की सबसे ज्यादा ठंड हमें यहाँ मिली। यहाँ स्पेक्स पहनना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था और सांस लेने में भी थोड़ी मुश्किल हो रही थी, यानी कि मुंह से सांस लेनी पड़ रही थी, पर हमने यहाँ खूब मस्ती की। Enjoying? Yes, full enjoying. Hans, happy birthday to you. Happy May God bless you. Happy birthday to you, Hans. Happy birthday to you. बर्फ में खेला, केक कटिंग किया, डांस किया और स्नोफॉल भी तभी हुआ। तो मिड मार्च में हमें यहाँ स्नोफॉल मिला। लाइफ टाइम मेमोरी हमने यहाँ भी बनाई। फेज टू पर भी एक छोटी सी रेस्टोरेंट है। ये देखिए सांस लेने से कैसा धुआं निकल रहा है। चलिए अब नीचे चलते हैं फेज वन पर वापस, क्योंकि वहां हमें एक्टिविटी भी जो करनी है। तो अब हम फेज टू से फेज वन पर गंडोला में जा रहे हैं और ये नजारा बेहद ही खूबसूरत है। और ये देखिए जो स्नोफॉल हो रहा है उसका मजा हम यहाँ गंडोला में भी ले सकते हैं। बेहद खूबसूरत नजारा, नीचे आप हर तरफ बर्फ बिछी हुई देख सकते हैं। और अब फेज वन नजदीक आ गया है और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए यहाँ पे टेंट लगे हुए हैं। फिर नजारों का मजा लेते हुए हम पहुंचे फेज वन पर। यहाँ हमने खूबसूरत नजारों का मजा लिया, कावा पिया। फेज टू पे प्रोफेशनल स्की होती है, तो वो स्की करने वाले प्रोफेशनल्स इस रोप वे से वहां तक जाते हैं। नजारा तो देखिए कितना खूबसूरत है। मेरा मन तो इसमें भी बैठने का हो रहा था, पर ये सिर्फ प्रोफेशनल स्की करने वालों के लिए ही था। और ये जो हेलीकॉप्टर है,
ये गुलमर्ग में जो एक्टिविटी पॉइंट है वहाँ नीचे से चलता है और यहाँ तक आपको लाता है। हमने पता लगाया तो 12,000 पर हेड इसका चार्ज है, तो शायद गंडोला का टिकट ना मिले तो ये अगर आपकी जेब को परमिट करे तो कर सकते हैं। या कुछ स्लेज वाले भी बोलते हैं कि वो फेज 1 तक आपको लाते हैं। तो ये तो थी थोड़ी जानकारी जो शायद आपको काम लगे। और अब करते हैं हम एक्टिविटी। तो मेन मजा हमने जो यहाँ लिया वो था स्की का। स्की हमें आता तो नहीं है पर यहाँ ट्रेनर आपको थोड़ा बहुत सिखा देते हैं। तो यहाँ भी बार्गेनिंग पावर का यूज कीजिए और फिर स्की के शूज और सारे एसेसरीज पहनकर तैयार हो जाइए और फिर मजा लीजिए स्की का। हाँ थोड़ा गिर सकते हैं आप, पर इस स्नो पर ज्यादा चोट नहीं आती है। ऊपर जाइए और स्की करके कुछ इस तरह नीचे आइए। कितना मजा आता है, बहुत बहुत मजा आया। चलिए अब थोड़ी फोटो सेशन भी कर लेते हैं। तो फेज 1 पर काफी मजे करने के बाद अब वक्त हो गया है वापस जाने का। पर मैं आपको ये भी बता दूं कि फेज 1 पर वॉशरूम की फैसिलिटी भी है और हाँ ये ग्लास इग्लू वाला रेस्टोरेंट भी है यहाँ। तो अब हम ये सब देखकर वापस जाने की लाइन में लग गए हैं। तो चलिए अब वापस चलते हैं गंडोला में नीचे गुलमर्ग की तरफ। तो बहुत बहुत मजा किया हमने गुलमर्ग में। स्नो लवर्स के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है गुलमर्ग। शाम को अगर आपके पास वक्त हो तो यहाँ एक्टिविटी पॉइंट पर जाकर भी आप कुछ स्नो एक्टिविटी कर सकते हैं। तो इस एक्टिविटी एरिया में आप चाहे तो यहाँ पे भी स्लेज राइड, स्कीइंग और एटीवी राइड भी होती है, पर हमने ये एक्टिविटी ऊपर कर ली थी तो हमने यहाँ पे सिर्फ बर्फ का मजा लिया और फिर हमने यहाँ पे कावा का मजा लिया। वैसे आपको यहाँ पे नूडल्स और कावा ये सब मिल जाएगा। तो अब शाम ढल चुकी थी और अब हम चले हमारे होटल की तरफ। ये देखिए, और फिर हम आ गए हमारे होटल की तरफ। जितनी बार यहाँ पे पहुँचती हूँ इस नज़ारे को देखकर मेरा मन करता है यहीं रुक जाऊँ। रूम में आपको अंदर से दिखाती हूँ, कुछ इस तरह का कंफर्टेबल रूम। और ये नज़ारा देखिए, खिड़की के ऊपर तक बर्फ, दूर तक ये नज़ारा। यहाँ रुकने का तो बहुत मजा आया। तो ऐसे ही कश्मीर के और एक्सपीरियंस जानने के लिए बने रहिए ज़ेप ट्रैवल के साथ। बाय, सी यू।